नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। कोलन क्लासिफिकेशन के रिवीजन में आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बारे में जो वर्गांक है कोलन क्लासिफिकेशन उनके हम वर्गांक हल करेंगे। तो ये मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है उसके शुरुआत में कोलन बुक के पेज नंबर 1.651.65 पे इसके कुछ नियम दे रखे हैं। तो जैसे ये B1 अर्थमेटिक के B11 लोअर अर्थमेटिक का जो इंग्लिश में जो अच्छा जानकार है तो उसको ये पढ़ सकता है, आराम से अच्छा समझ सकता है आप भविष्य में। आप जैसे ये थ्योरी ऑफ नंबर्स दे रखा है, इस तरह से कुछ ये नियम दे रखे हैं जहाँ से आप इनको देख सकते हो। अब इसमें आगे ये B13 के अलग अलग इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगी वो मैं आपको ये बताता जाऊँगा। B21 एलिमेंट्री एल्जेब्रा जो प्रारंभिक एल्जेब्रा होती है जो बीजगणित वो है, और इसमें हायर एल्जेब्रा वो सीधा सवाल परीक्षा में एक छोटा सा 2 नंबर का जो सवाल हायर एल्जेब्रा पूछा जाता है जिसका वर्गांक B25 है। ये B3 एनालिस का डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब समीकरण होता है, समीकरण से संबंधित ये B3 में आ जाएंगे। और B3 से रियल वेरिएबल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वगैरह ये समीकरण वगैरह ये आ जाएंगे। B4 में अलग कोई मेथड्स वगैरह वो आ जाएंगे। B6 में ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री होती है वो B6 में अलग अलग इनके दे हुए। B6 में जो मैकेनिक्स जो है वो आएगी। एस्ट्रोनॉमी जो खगोल शास्त्र जिसे कहते हैं, ये पृथ्वी की दूरी है, चांद की दूरी है, ग्रहण वगैरह वगैरह वो सारे इसमें B9 में आ जाएंगे। और इसमें एक ये आप यहाँ पर कुछ सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हल किए हुए पड़े, इनको भी आप देख लेना। कई बार क्या इनमें डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है तो आपको बड़ा बनाया हुआ आंसर वो मिल जाएगा। इसमें और भी है जैसे ये ऑर्बिटोप कॉमेट, ये कई बार सवाल परीक्षा में सीधा सा टपका और इसका यहाँ पर बना हुआ पड़ा है। ये जो शुरुआत में हम 1.65 से आगे हम देख रहे हैं 6.7 वहाँ से, ये इसका जो पेज है पेज है, यहाँ पर आप देख सकते विभिन्न प्रकार के कुछ ये आप देखते रहिएगा, एक बार दो बार देखो तो आपकी नज़र आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये तो होगी नियमों की बात। इसके बाद इसका चैप्टर, मूल चैप्टर आपका जो स्टार्ट हो रहा है जो कॉलन में 2.31 पेज के ये हो रहा है। इसमें देखो कि जो गणित को अलग अलग उप विभाग में बांटा गया, B1 अर्थमेटिक, B2 अल्जेब्रा एनालिसिस, हम जो पहले पढ़ के आ रहे थे बहुत सारे इसमें, उसमें जैसे B1 अर्थमेटिक है उसमें से भी आगे अलग अलग इसमें ये बांटा हुआ है। और जैसे ये सीधा आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, सीधा सवाल यहाँ से टपकता है B12 है। और जैसे थ्योरी ऑफ नंबर सीधा B13 यहाँ पर पड़ा, सीधा इसका सवाल ये आंसर है। और उसमें जैसे B13 का ये इसमें सूत्र भी ये दे रखा है, P आएगा, P2 आएगा, एनर्जी पार्ट आएगा इस तरीके से। अब ये P की जगह क्या आएगा, जैसे प्राइम नंबर है, डिफरेंस नंबर सिस्टम है, हाईली कंपोज्ड नंबर है, ये सीधा सीधा यहाँ से पूछ जाता है, वो सीधा आपको यहाँ पर तब उस कंडीशन में क्या होगा कि जो B13 है, जो ये B13 जुड़ेगा उसमें जैसे मान लो आगे किसको जोड़ना हो, जैसे हाईली कंपोज नंबर तो 21 आगे इसमें जोड़ दिया जाएगा। या कई बार पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम नंबर, ऐसे मान सवाल पूछा जाए तो ये पहले आएगा और उसके बाद जैसे प्राइम नंबर आएगा और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैसे होगा B13 और उसके बाद P है, तो P का ये सीधा जुड़ेगा प्राइम नंबर का, एक जुड़ गया, और ये P2 का है तो ये बीच में कॉमा लगेगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन का है 2, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। और इसमें ये पेल्ज इक्वेशन है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, और ये ठीठा का है, ये सीधा आपसे पूछा जाता है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक का है, ये यहाँ से पूछ लेता है कभी कभी। अब यहाँ एल्जेब्रिक नंबर, अब ये कॉम्प्लेक्स एंड हाइपर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ये B2 एल्जेब्रा का, और उसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन कई बार पूछा गया, एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन और हायर एल्जेब्रा, ये सवाल कई बार अल्टरनेटली आते रहते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखें ध्यान में,
और उसके बाद ये सिंपल क्वाड्रिक इक्वेशंस वगैरह इस तरीके से भी सवाल आ जाते हैं। बाकी ये हायर एल्जेब्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसका यूनिवर्सिटी कई यूनिवर्सिटियों का फेवरेट सवाल है B25, ये आ जाता है उसमें। इसमें आगे भी कोई पूछ सकता है तो उसको भी आप यहाँ पर, तो हायर एल्जेब्रा नाम सुनते हैं आप यहाँ पर सीधा पहुँच जाएंगे। और उसके बाद ये स्टेटिक्स की कुछ प्रोबेबिलिटी के भी सीधे यहाँ सवाल सीधा ये पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें ये स्टेटिक्स की, जिसे प्रोबेबिलिटी B281 है और थ्योरी ऑफ एटीट्यूड है ये, ठीक। लेकिन ये नॉर्मली चीज़ें बेसिक चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती है, तो इसको भी थोड़ा आप प्रैक्टिस में रखें। ये थ्री एनालिसिस में भी ये जैसे कैलकुलस का वगैरह का है, और ये है रियल वेरिएबल का है, और ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कई बार पूछा गया, ये भी कई बार आया हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान दें। अब एक आपने पेरम ये फंक्शंस या थ्योरम वगैरह को भी पढ़ी है, वो यहाँ पर इनके ये वर्गांक दे रखे हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री का B5 है, यहाँ भी पूछ लेता है। और यहाँ पर ज्योमेट्री के भी काफ़ी सवाल आ जाते हैं ज्योमेट्री का, जैसे प्लेन ज्योमेट्री है या थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, तो B6 और 3 हो गया, तो B6 3, और फोर डायमेंशन का है ये, फिर आगे इसमें जुड़ेगा। फिर एनर्जी पार्ट में कभी डिफरेंशियल पूछ लेता है, इस तरीके से सवाल आते रहते हैं। और इसमें कुछ सिस्टम भी दिए गए हैं, सिस्टम का मतलब ये CD का मतलब क्रॉनिकल डिवाइस, यानी कालक्रम द्वारा जो कालक्रम होता है, जिसे 1947 या और भी कोई 1000 ईस्वी वगैरह ऐसा इस तरीके की 1800 1900 में कोई ऐसा इक्वेशन लाया गया, तो वो कालक्रम जैसे ये बनाया हुआ पड़ा है इसमें सारा। हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक टी, तो इनके वर्गांक सीधे बने हुए पड़े हैं। मैकेनिक्स का भी कुछ इसमें ये हैं, गैसेज का, लिक्विड का, इनके भी सवाल अपन देखेंगे। और यहाँ से सवाल काफ़ी उठते हैं, एस्ट्रोनॉमी है यहाँ पे उठते हैं। एक सवाल इसका भी कई बार आ जाता है, ये फिजियो मैथमेटिक्स B8 है, तो ये भी आप ध्यान में, वेव फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन, ये एस्ट्रोनॉमी से ज़्यादातर सवाल आ जाते हैं कॉलन में। सवाल क्या आते हैं, जैसे अर्थ है, मून है, इनके बारे में आते हैं कि इनका दूरी को लेकर आ जाते हैं या डिस्टेंस को लेकर आ जाते हैं। इसके आगे इनके एनर्जी बार अलग अलग, जैसे कैलेंडर वगैरह वगैरह, ये इस तरीके के ये सवाल दिए हुए हैं। तो चलो इनको हम हल करते हैं सवालों को। इनमें पहला सवाल है कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, जिसे मैंने वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया, फिर भी आपको मैं सवाल तक वहाँ ले जाता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, थ्योरी ऑफ नंबर, प्राइम नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इन तीनों के आपको सवाल सीधे आपको वहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर का था, आपने देखा था B12 था, और थ्योरी ऑफ नंबर का B13 था, B13 था, और प्राइम नंबर का था B13.1। ये मैंने आपको बता दिया, तो मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर है और ये आपका थ्योरी ऑफ नंबर है। अब सवाल था थ्योरी प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर किस में, यहाँ पर ये पढ़ा है, तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले B आ जाएगा, उसके बाद B13, और उसके बाद ये प्राइम नंबर का इसके पी पार्ट में ही है, तो 13 3। तेरह और एक इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद जो सवाल था, एक सवाल इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ से देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का ये रहा, आगे डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स है। तो अब ये सीधा यहाँ से नहीं, तो ये कहाँ से, ये ब्लैक वाला यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से अपने को देखना है। तो इसका मेन क्लास क्या है, B13। अब डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये P2 पार्ट है, तो P2 पार्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच में क्या लग रहा है, कॉमा लग रहा है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन का 1, यानी P2 आएगा, फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का 2, इस तरीके से इसका आंसर आएगा
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब एक और सवाल इसमें आगे है, वो मैंने आपको इसमें लिखाया है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो उसका ये है थ्योरी ऑफ इक्वेशन B23। एक और आपको सवाल मैंने उसमें लिखाया है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का आंसर है B6 ज्योमेट्री का है। और उसके बाद B6 में चलते, B6 में एक आपको सवाल मैंने लिखाया है, आप उसमें देख लेना। ये B6 में है एल्जेब्रिक सॉलिड ज्योमेट्री। अब देखिए इसमें दो जगह एल्जेब्रिक आया है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एल्जेब्रिक ये 27 है, ये एक एल्जेब्रिक है एल्जेब्रिक, और उसके बाद इसी के एक एनर्जी पार्ट में भी एल्जेब्रिक है। ये ज़्यादातर तो समझ में उनको आएगा जो गणित जिनका विषय है कि ये स्टॉक टाइटल कह क्या रहा है, क्योंकि इसका जो टाइटल जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसका सही जो वर्गांक है वो हम तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसका एक तो वर्गांक ये बन जाएगा, B6 बन जाएगा, और फिर ये 27, तो इसी के पी पार्ट में 27 में आ जाए, एक तो वर्गांक इसका ये बन जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा कि ये B6 और ये प्लेन, तो B6 प्लेन का क्या है 2, ये आ गया। अब उसके बाद एनर्जी पार्ट वाला जो है ना वो एल्जेब्रिक वो 2 वो जुड़ जाएगा। ये एल्जेब्रिक ये एनर्जी पार्ट वाला ये हमने जोड़ी, ये दो तरीके से ये बनता है। ये इसका जो सेंस से यदि समझ में आ जाए तो हम बना सकते हैं, हालांकि दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन वो किस सेंस में ये टाइटल कह रहा है उस सेंस में वो निर्भर करेगा। एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मैंने एक आपको लिखा है, उसका B38 है, उसका भी मैं आंसर आपको बता दूँ। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल B38। और अब चलते हैं आगे, सोलर इक्लिप्स करके एक सवाल आपको मैंने लिखवाया था। तो इसमें सोलर मतलब सन, सूर्य को कहा गया है, तो सोलर का क्या है B9 और सन का 3। सोलर का या सूर्य का तो ये हो गया। अब इक्लिप्स हमें ढूंढना है इसी के एनर्जी पार्ट में, एनर्जी पार्ट कहाँ शुरू हो रहा है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एनर्जी पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये FOCIN2P यहाँ से। अब इसमें अलग अलग है, अब यहाँ पर ये जो शुरुआत में क्रोनोलॉजी का मतलब समय से लिया गया, समय की जैसे हम क्रोनोलॉजी पढ़ते तो इस यहाँ पर समय से लिया गया, ये रे और सोलर है, मंथ है, इस तरीके से ये। अब इसमें आप देखिए इक्वेशन ऑफ टाइम वगैरह इसमें है, और हमें क्या चाहिए इक्लिप्स चाहिए। तो इक्लिप्स थोड़ा नीचे सबसे लास्ट में गहरे अक्षरों में ये पड़ा है, तो इसका वर्गांक क्या हो गया B93:57 किसका हो गया, सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। अब पूछिए चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण के लिए मून है, तो B92 आ जाएगा। B92:2 ये आपके 2 देख रहे हैं, और उसमें इक्लिप्स का था 5:7 ये यानी चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स, इसको एक लूनर इक्लिप्स कहा गया है इस खगोल शास्त्र की भाषा में। हाँ एक और था ऑर्बिट ऑफ कॉमेट्स, एक तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि ये आपके वहाँ पर पढ़ा हुआ शुरुआत में 1.65 के बाद ऐसा कुछ वो पेज नंबर है या 1.69 पे ये बना हुआ पड़ा है। और लेकिन इसमें भी एक आप देख सकते हो कॉमेट का कहाँ है, कॉमेट ये रहा,
फाइव टू यानी बी नाइन फाइव टू, ये तो इसका हो गया। अब हमें चाहिए ऑर्बिट का, ऑर्बिट इसके पीछे एनर्जी पार्ट हम देख लेंगे। ऑर्बिट ये रहा, ये 72, ये 72 ऑर्बिट का है, तो इसका वर्गांक हो गया बी नाइन फाइव टू कोलन 72, ये इसका वर्गांक हो गया। अब अगला एक सवाल आपको दिया था एज ऑफ अर्थ, ठीक। अब यहाँ पर हम बैठे हैं इसी पेज पे हैं, तो ये 67 एज का है, 67 हमने एनर्जी पार्ट में ले लिया। अब वापस वहाँ पर चलते हैं अर्थ में, अर्थ का एक है तो बी ये और नाइन और अर्थ का एक, ये हो गया। अब ये जे एनर्जी पार्ट में तो कोलन लगाया और कितना था 67, ये इसका आंसर हो गया। एक सवाल आपको बताया था रोटेशन ऑफ अर्थ, तो अर्थ का बी 91 हो गया और रोटेशन को हमें चाहिए, तो ये इसके जस्ट अगले पेज पे होगा रोटेशन का। इन्हीं में ये फिजिकल एस्ट्रोनॉमी भौतिक खगोल इसी में है रोटेशन, ये पोजीशन, ये रोटेशन। अब इसमें रोटेशन दो है, चक्कर लगाने, एक जो अपने सरफेस अपनी जगह पर जो लगाती है वो है 63 और चारों ओर चक्कर लगाना 631 है। अब ये भी ध्यान रखना, कई बार आपको भविष्य में कन्फ्यूज ना करें तो ये सवाल हैं। तो एक रोटेशन ऑफ अर्थात बी 91 कोलन 631। एक किसी ने बताया सवाल किया था कि रोटेशन ऑफ स्टार्स, तो रोटेशन का 631 है और स्टार्स का हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्टार्स का 6 है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये, तो बी 96 और रोटेशन का हमने क्या देखा था 631। ये किसी ने मैसेज किया था, कमेंट किया था, तो मैं उसका जवाब यहाँ पर दे रहा हूँ, इसी के साथ बन जाता है। और जैसे जुपिटर का हो गया, इसमें सारा आपको आ गया। एक और चीज़ आपको यहाँ पर कई बार पूछता है, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि सैटेलाइट या आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होती है, उपग्रह होते हैं, उनके लिए ये है। जैसे अपने खुद के मानव के बनाए हुए अगर यदि ग्रह हैं तो वो आर्टिफिशियल में हो जाएंगे, 7, 8, 9, 4 में हो जाएंगे। यदि कृत्रिम उपग्रह जैसे चंद्रमा वगैरह या और भी ग्रहों के जो उपग्रह हैं तो वो 7, 8 हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है। और एक सवाल आपको बताया गया था रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, तो ये सबसे लास्ट में ये पढ़ा है ये, तो इसका क्या होगा बी 9:95 रेडियो एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मिक इकोलॉजी, ये दोनों पढ़े, इनमें से कोई भी पूछ ले तो आप यहाँ पर कर सकते हो। एक और आपको सवाल दिया था मैंने, वो मैकेनिक्स का था, काइनेटिक वर्सेस लिक्विड, अब इसमें आप देखेंगे ये लिक्विड का ही है, तो ये 56 है वर्सेस है 5 लिक्विड, यानी 56 में मतलब वर्सेस लिक्विड हो गया। अब 5 इसमें कॉमन आ रहा है 6, यानी 5-6 का मतलब वर्सेस लिक्विड, और ऊपर क्या था मैकेनिक्स है, तो इसका आंसर हो गया बी 7 और ये 5-6, ये इसका आंसर है। एक सवाल आपको दिया था स्टैंडर्ड टाइम, एक सवाल आपको दिया था मोमेंट ऑफ अर्थ, तो ये मोमेंट का 611, तो बी 91 शुरुआत एक अर्थ का है कोलन 166, ये इसका आंसर हो जाएगा। और एक और आपको सवाल दिया था
एटमोसफियर ऑफ मून, ये तो एटमोसफियर का और मून का 9.2 था, बी 9.2 कोरन क्या 6358, ये तो इस तरीके के जो मैथमेटिक्स के जो सारे सवाल थे वो आपको मैंने करा दिए हैं, आपने अच्छे से किए होंगे और उसमें ये मिलान भी कर लिया हो किसका क्या क्या है। अब फिजिक्स की ओर हम देखते हैं, तो फिजिक्स का पहले वो नियम है वो कहाँ शुरू हुए कॉलन में 1.70 से शुरू हो रहे हैं, तो इसमें कुछ नियमों में आप देख लेना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस इसके लास्ट में ये कुछ चीज़ें बनी हुई जैसे एक्सप्रे स्पेक्ट्रम और स्केटरिंग ऑफ कॉस्मेटिक रे, ये गजब का सवाल है, ये आता है यदि ये कॉस्मेटिक रेज आ जाता है, रेड रेज आ कोई भी आ जाता है, और ये सवाल कंपेरेबिलिटी ऑफ लिक्विड, अब ये थोड़ी जो साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं जो साइंस बैकग्राउंड से है उनको ये चीज़ें थोड़ा अच्छे में समझ में आएंगे ये टाइटल्स, बाकी थोड़ा आर्ट्स वालों को थोड़ा कम समझ में आएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो केमिस्ट्री है सॉरी फिजिक्स है भौतिकी, उनके ये जो मूल वर्गांक है ये मतलब उनके उपभाग, एक में फंडामेंटल दे दे, दो में प्रॉपर्टी, तीन में साउंड, चार में हीट, पांच में लाइट, छह में विद्युत, सात में चुंबक मैग्नेटिज्म और कॉस्मेटिक हाइपोथेक्स, इस तरीके से ये दिए है। और उसमें C1 में फंडामेंटल जैसे आधारभूत जैसे मैटर है, वेट है, ग्रेविटी वगैरह ये दे दिया, और C2 में प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर जो पदार्थ वगैरह मान लो जैसे सॉलिड ग्रह ठोस द्रव गैस वो सारे सॉलिड है, ग्लास है, क्रिस्टल वगैरह वो सारे। उसके बाद ये उनकी जो प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी घनत्व है, इलास्टिसिटी तन्यता है, फिर लीनियर वॉल्यूम है इस तरह से इसमें दी हुई वी वैक्यूम है, और उसके बाद जो साउंड है जो ध्वनि है, ध्वनि में भी कुछ ये चीज़ें है। अब जैसे इसमें ये चीज़ें अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड, अब ये कई बार जब मैं बोलने में कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, वैसे विशेषकर पुराने वीडियो में, तो उसको आप अन्यथा न लें, जैसे दो है इंफ्रासाउंड के है और तीन सॉरी जो पांच है वो अल्ट्रासाउंड के है, तो आप यहाँ से जो चीज़ है वो देख लें, हो सकता है मेरे पुराने वीडियो में कुछ ऐसा हो तो उसको आप अन्यथा न लें, क्योंकि शुरुआत में कोई भी इंसान है वो बोलने में चूक हो जाती है तो उसको आप अन्यथा न लें। और उसके बाद इसी साउंड के एनर्जी पार्ट में ये रिफ्लेक्शन है वगैरह ये फ्रिक्वेंसी ये दी हुई है, और चार नंबर हीट है जो ऊष्मा है उसमें ट्रांसमिशन ऑफ हीट है आ सकता है, ये दो नंबर पे है इसमें। अब इसमें हीट में एनर्जी पार्ट में सर, अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जैसे ये C2 में ये सॉलिड द्रव गैस वगैरह है, यदि इसके बाद यदि अगर कोई हीट में कहीं सॉलिड चाहिएगा या इसमें चाहिए आगे में चाहिएगा तो ये ठोस द्रव गैस है वो आएंगे ये, लेकिन ये उसके मैटर के रूप में काम करेंगे, आगे कोई सवाल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। C4 तक का मैंने आपको बता दिया, और C5 रेडिएशन, रेडिएशन जो किरणें होती है वो जैसे एक लाइट का दो रेड लाइट वगैरह वगैरह, एक आपको स्कैटरिंग का आगे बताया था वो है, उसे ये किरणें हैं अच्छी, एक रमन इफेक्ट आता है सवाल गजब, ये आप यहाँ से देख सकते हैं रमन C5 38 and 28, ये रमन इफेक्ट का सवाल आता गजब कॉम्पिटिशन, ये आपके प्रैक्टिकल परीक्षा में आ जाता है। और उसके बाद कुछ ये बने हुए ये वेव वगैरह क्वांटम वगैरह का, ये इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का ये चीज़ इस तरीके से इसमें ये अलग अलग अपने अपने वर्ग के अंदर ये चीज़ें दी हुई। अब लास्ट के अंदर क्या चीज़ दी हुई वो आप ये भी बहुत ज़रूरी है, ये कुछ इसको सिस्टम कहते हैं, एक होता सिस्टम एक होता स्पेशल, तो पहले सबसे पहले इस किसी भी विषय में अंदर हो तो सबसे पहले आता है सिस्टम, उसके बाद आता है स्पेशल, उसके बाद PMAST जो मैंने बताया था वो आता है। इसमें जैसे ज़्यादातर का कि क्वांटम थ्योरी का ज़्यादातर पूछा गया है, काइनेटिक थ्योरी का, ग्रेविटी थ्योरी का, या रेडियो एक्टिविटी का ज़्यादातर, या वेव मैकेनिक्स CN2 कई बार पूछा गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और फेवरेट सवाल इसके यूनिवर्सिटी की, तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। हालांकि मैं सवालों में बताऊँगा आपकी जो किताबें हैं उनमें भी ये चीज़ें दी हुई। चलो कुछ सवाल को हम
देख लेते हैं। ठीक, अब मैंने एक सवाल दिया था प्रेशर ऑफ गैस। सबसे पहला जो सवाल था प्रेशर ऑफ गैस, अब देखिए क्या इसमें क्या है, ये इसके अंदर आप देखेंगे गैस तो C28 हो जाएगा, और उसके बाद आपको प्रेशर चाहिए तो प्रेशर आपको नीचे यहाँ 7 नंबर पे ये प्रेशर आपको मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C28:7, ये प्रेशर ऑफ गैस का आंसर है वो हो जाएगा। एक सवाल मैंने आपको दिया था डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी किसको कहते हैं घनत्व, डेंसिटी कहाँ है ये, इसी के ये 13 नंबर पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये 13 है, तो इसका हो जाएगा सी, और लिक्विड का क्या है 2.5, यानी 2 ये ऊपर वाला और 2.5, और इसके बाद ये जो डेंसिटी है ये इसके P2 पार्ट में, तो कोमा लगेगा, और उसके बाद कितने हैं ये 13 है, तो 1.3 क्योंकि इस, अब यहाँ पर आप देखें P के बाद 2 आएगा तो बीच में कोमा लगेगा, और पहले वाला सवाल मैंने एक दोबारा आपको बता, प्रेशर ऑफ गैसेज दोबारा अब आपको बता देता हूँ, थोड़ा गलत बता दिया C28, अब वो जो प्रेशर है ये जस्ट इसी में आगे है, तो वो आगे 7 जुड़ जाएगा C28:7, इस तरीके से वो आएगा, तो ये थोड़ा संशोधन कर लें, तो ये चीज़ें हो जाती है, तो इसी का ही ध्यान है, इसी के नंबर मिलते हैं, तो इसमें एनर्जी पार्ट नहीं है C2 में, तो उसका भी ध्यान रखना है। और एक था वैक्यूम प्रेशर ऑफ गैसेज, तो उसका हो जाएगा C28 और नीचे C7:6, तो ये गैसेज का C28 और फिर वैक्यूम प्रेशर का है ये 6 7 6, प्रेशर का 7 और वैक्यूम का 7 6, यानी वैक्यूम प्रेशर दोनों साथ में, क्योंकि 7 भी है 6 भी है, तो ये 7 से आगे जुड़ रहा, तो ये है, तो इसमें एनर्जी पार्ट वाला नहीं है, तो मैंने आपको पहले बताया, तो कई चीज़ें हो जाती, कई बार हम सोचते हैं कि ये होता है, तो उसको थोड़ा गहराई से देखना पड़ता है, क्योंकि तो ये चीज़ें मिस्टेक्स हो जाती, किसी से भी हो सकती है। एक सवाल आपको दिया था फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड, उसका क्या आंसर होगा कि C3 अल्ट्रासाउंड का है C3 और 5, अब फ्रीक्वेंसी का ये एनर्जी पार्ट में 3 है, कोलन लगा के 3, इसका आंसर ये हो जाएगा। एक सवाल आपको दिया था एक्सपेंशन ऑफ बॉडी इन हीट, तो ये हीट का सवाल आ गया, ये हीट C4 है, अब इसमें हमको हमें चाहिए एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन ऑफ बॉडी ये 4 नंबर सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं, ये पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा C4:4। और एक सवाल आपको दिया था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लास, अब ये गजब का सवाल है, अब ये इसी हीट में होगा, तो इसके जस्ट पना पलटते हैं, तो उसमें एक मेल्टिंग पॉइंट आपको कहाँ मिलता है, ये मेल्टिंग पॉइंट 512 पे मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक, अब एक चीज़ आपको मैं वहाँ पर 512 हो गया इधर पिछले, अब ये ग्लास का जो नंबर है हमें यहाँ पर मिलेगा, ये 15 नंबर है, ये यहाँ से हमें लेना पड़ेगा ग्लास का, तो इसका वर्गांक हो जाएगा C4:512 मेल्टिंग पॉइंट, अब ये जो C2 के है और हम वर्गांक ले रहे हैं C4 में, तब ये जो सॉलिड है गैस वगैरह लेंगे तो ये वहाँ पर मैटर का काम करेंगे, तो इसमें मैटर के लिए
सेमी कॉलन आता है और इसकी ग्लास की कोड वो 15 हो जाएंगी, ये इस तरीके से हो जाएगा। एक सवाल आपको दिया था रिफ्रैक्शन ऑफ गामा रेज, तो ये C5 के अंदर है, ये रेडिएशन, ये इसके इसका है। और गामा का कितना है 4 है और रिफ्रैक्शन का हम इसी के एनर्जी पार्ट में देख लेते हैं। ये रिफ्रैक्शन का है। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो चीज़ें, अब आप शब्दों पे ध्यान देना क्योंकि ये शब्द हमें कंफ्यूज करेंगे, ये दो सेम है। और रिफ्लेक्शन का है 22 और रिफ्रैक्शन का है 23, शब्द पे जाना। तो इसका वर्गांक हो जाएगा C5 4, 4 है गामा का और कोलन लगा के, और ये रिफ्रैक्शन का है 23। अगला सवाल था क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये गजब का सवाल है, ये जो आपके असाइनमेंट का एक सवाल है उसमें आता है। अब क्वांटम थ्योरी का क्या है, CN1, और लाइट का क्या है, वो लाइट का मैं आपको, ये सवाल बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया है, CN1 है और लाइट का अपन जाते हैं, लाइट का क्या है। अब ये रिफ्रैक्शन के अंदर 1 लाइट का, तो कई लोगों ने 5 लिख दिया है और कई लोगों ने 1 लिख दिया है, सिर्फ 1, 5 नहीं, सिर्फ 1 इस तरीके से। तो इसका आंसर जो क्या होगा वो आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले वो सिस्टम CN1 हो गया। अब इसके बाद ये भी पी पार्ट है तो फिर कोमा लग जाएगा। तो ये अब मान लो लाइट का क्या है, तो C5N, तो C नहीं आएगा क्योंकि इसमें ये C आ गया है, तो दोबारा आगे C नहीं आएगा। तो उसके बाद क्या बचता है, ये रेडिएशन का 5, क्योंकि इसकी मेन क्लास 5 है, 5 और लाइट का 1, तो 5N हो जाएगा। तो यहाँ पर 5N लिखेंगे, ये इसका राइट आंसर है। तो बहुत सारे लोगों ने ये गलत किया, और ये कॉम्पिटिशन में गए, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पेपर में भी आ जाता है। एक सवाल आपको मैंने दिया था जनरेशन ऑफ 3-फेस इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट ये C6 में है और इसमें हमें करंट का 2 है और उसके बाद थ्री फेस का है 243, ये 2-फेस है, 3-फेस जो सवाल में पूछे वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद है जनरेशन, तो जनरेशन आप यहाँ पर ये एनर्जी पार्ट में देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C6 2, ये 3-फेस का 243, यानी 3-फेस है और फिर उसके बाद ये जनरेशन का कोलन 1, ये इसका आंसर है। एक सवाल आपको दिया था इंटेंसिटी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, तो ये अगले का है, ये मैग्नेटिज्म का है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये मैग्नेटिज्म, ये इंटेंसिटी और सवाल है इंटेंसिटी पैरा में, पैरा का क्या है 3 है, तो इसका हो जाएगा C7 3, ये अभी भी पी पार्ट में। उसके बाद ये इंटेंसिटी किसमें, एनर्जी पार्ट में, कोलन लगाएंगे तो कितना है 2, ये इंटेंसिटी ऑफ पैरा मैग्नेटिज्म। कभी फेरो का पूछ सकता है, कभी टेस्टोरियल का पूछ सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर पैरा का पूछा इसने। अब कभी कभी आ जाए नेचर ऑफ मैग्नेटिज्म तो C7 8, सीधा अगर जनरली पूछ ले तो इसका आंसर ये है, आप C8 मत लिख देना गलत हो जाएगा, C8 का ये अगला कॉस्मिक हाइपोथेसिस है। आगे एक सवाल दिया था रेडिएशन
इन सरफेस फिजिक्स सरफेस फिजिक्स का C9B6 है और हमें रेडिएशन चाहिए, रेडिएशन का क्या है C5 है, तो ये C9B6 कॉमा C9B6 कॉमा 5, ये रेडिएशन का 5 है जो लाइट वाला का है वो है इसका। और अगला सवाल मैंने दिया था मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका आपको बता देता हूँ। मोलेकुलर का ये है C9B1 है और स्पेक्ट्रोप का देखते हैं, अगला सवाल था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक थ्योरी का क्या है देख लेते हैं। काइनेटिक थ्योरी का है CM, ये रहा CM, और गैस का शुरुआत में आप देखेंगे 28 है। अगला सवाल दिया था रेडिएशन इन सरफेस फिजिक्स अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, तो क्वांटम थ्योरी का CN1 है और सरफेस फिजिक्स का था आपके C9B6। ये एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि क्वांटम थ्योरी का CN1 हो गया और सरफेस फिजिक्स का C9B6 है और उसके बाद रेडिएशन का 5 है। तो इसमें सिस्टम पहले आता है, अब ये सिस्टम है और ये जो आ रहे हैं ये स्पेशल है, तो पहले सिस्टम आते हैं एक नंबर पे और दो नंबर पे आते हैं स्पेशल, उसके बाद PMST आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो किस तरीके से बनेगा मैं आपको बता देता हूँ कि CN1 कोमा ये 9B6 कोमा 5, 9B6 किसका सरफेस फिजिक्स का C9B6 और 5 किसका रेडिएशन का जो 5 का है। अगला सवाल आपको दिया था रमन इफेक्ट, जो रमन इफेक्ट का मैंने आपको बताया था ये रमन इफेक्ट है, तो ये किसमें है C5 में, C5 फिर कॉलन के अंदर ये आगे ये 38 एंड 28 ये रमन इफेक्ट का परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एक सवाल आपको दिया था फ्यूजन ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का इसमें